त्योहारों के मुल्क के तौर पर दुनिया भर में मशहूर हिंदुस्तान की रिवायतों का जवाब नहीं, अलग अलग मजहब के अलग अलग त्योहार और उसमें एक दूसरे मजहब की शमूलियत दुनिया को हैरान कर देती है। हालांकि हालिया दिनों में मुट्ठी भर लोग इसमें कड़वाहट लाने की नाकाम कोशिश जरूर कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और खुद कर्नाटक में भी मजहबी टकराव की खबरें सामने आई। हालांकि यहां के अमन पसंद लोग नफरत की हर कोशिश को नाकाम करते रहे हैं। ताजा मामला कर्नाटक के हसन जिले का है, जहां एक मंदिर में सालों से रथ यात्रा की शुरुआत ही कुरान की आयतों से होती है। देखते ही है मजहबी इत्तेहाद का पैगाम देने वाली ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं 900 साल पुरानी हासन जिले के बेलूर तालुका के तारीखी मंदिर पर उमड़े अकीदतमंदों की, जहां चंत्रा केशव मंदिर के सालाना जश्न का आगाज तिलावत कुरान से शुरू होता है। सैयद सज्जाद काजी ने इस मर्तबा यहां कुरान की तिलावत की। इस खास मौके पर कुरान की आयतें पढ़ने के बाद ही तेर की रस्सी खींची जाती है। तिलावत कुरान की रस्म अदा करने वाले काजी सज्जाद साहब का कहना है कि गुज़िश्ता 50 सालों से हर साल मंदिर में कुरान पढ़ने आते हैं, यहाँ तक कि इससे पहले इनके परदादा, फिर दादा और फिर उसके बाद इनके वालिद ये रिवायत अदा किया करते थे, जो आगे भी इनके बेटे कुरान पढ़ने की रस्म को अदा करेंगे। हालांकि इस साल कुछ फिरका परस्त लोग इस रस्म को खत्म करवाने का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन मंदिर इंतजामिया ने इस रस्म को जारी रखने का फैसला किया। ಬೇಲೂರ್ ತಾಲೂಕಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೊಡ್ಡ ಮೈದೂರಿಂದ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। मैं पिछले 50 सालों से इस मंदिर में कुरान पढ़ता आ रहा हूँ। मेरे कुरान पढ़ने के बाद ही इस जश्न का इफ्तिताह होता है। कुरान ओद मेले हग्गा तेरिन हग्गा ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಯಾರ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಅವರು ಹಣ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಗೆ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ। हम सब एक हैं, सबको मिलकर रहना चाहिए। उद्देश्य बेलूर के इस मंदिर ने नाम निहाद धर्म के ठेकेदारों को ये पैगाम दे दिया है कि कर्नाटका अमन और भाईचारे की तहजीब वाली रियासत है। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ मुस्लिम धर्म गुरुओं को बुलाया जाता है। यही वजह है कि यहाँ एक तरफ इतनी नफरत फैलाए जाने के बावजूद भी लोगों में आपसी भाईचारा बरकरार है। बेंगलुरु से जी सलाम के लिए शाहिद काजी की रिपोर्ट।